दोस्तों आज हम ऐसे मूवी के बिहाइंड द सीन के बारे में बताने वाले हैं जिसके सॉन्ग ने कमाल ही कर दिया था और वो आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेशरम रंग और झूमे जो पठान सॉन्ग। आज हम आपको इन दोनों सॉन्ग की बिहाइंड द सीन के बारे में दिखाने वाले हैं जिनको शूट करने में काफी मेहनत लगी और बाकी इस मूवी की ज्यादा शूटिंग दुबई में हुई थी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में किंग खान आने की पठान ऐसे लोगों के बीच तबाही मचा दी जो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई धड़ाधड़ कमाई चल रही है, नोटों की छपाई चल रही है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किंग खान के फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दुबई और स्पेन में हुई। अब यहाँ तक कि दुबई में इस फिल्म की शूटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अरे इसलिए क्योंकि दुबई में शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है यार, और वहाँ के पब्लिक प्लेस में इस मूवी के सीन शूट करने में बहुत परेशानी हो रही थी। लोग भाग भाग के शाहरुख खान के पीछे लग जाते थे हाथ मिलाने के लिए और क्या। दोस्तों और आपको बता दें कि जब इस मूवी की सीन शूट किए जा रहे थे दुबई में तो दुबई के सिक्योरिटी पुलिस से कहकर रोड्स को ब्लॉक करवा दिया गया था, तब जाकर इस फिल्म की शूटिंग पॉसिबल हो पाई थी। और ना किंग खान के फैन तो शूटिंग के दौरान ही किंग खान से मिलने पब्लिक प्लेस में आ जाते थे। मतलब किंग खान के दुबई में भी पहुंच बहुत ज्यादा ही है। कमाल है भाई, जलवा है किंग खान का। तो चलिए दोस्तों, पठान फिल्म के सबसे फेमस और लोगों के सबसे पसंदीदा सॉन्ग झूमे जो पठान के बारे में जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस गाने के शूट करने के लिए शाहरुख खान सर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ दरअसल इस गाने को शूट करने के लिए शाहरुख खान को काफी डांस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इस सॉन्ग में अलग अलग तरह के डांस दिखाया गया था। और आप इस सॉन्ग के डांस के लिए शाहरुख खान सर को प्रैक्टिस करते हुए स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा शाहरुख खान के और भी बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। आखिरकार शाहरुख खान ने देखिए करके दिखा ही दिया, अब भला शाहरुख खान आने की किंग खान किसी से कम थोड़े ना है, सुपर स्टार है भाई, और क्या, उनको किसी से कम मत समझना। अब दोस्तों इस गाने में डांस करने के लिए दीपिका पादुकोण को काफी प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत पड़ी। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी लड़कियां सॉन्ग में डांस करती हुई नजर आती है उन्हें भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि सॉन्ग्स पर डांस ही था ऐसा। साथ ही साथ काफी सारे स्टंट भी थे जो कि ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की सबसे खास बात ये है, इसमें जितने भी सीन शूट किए गए थे वो पूरी तरह से रियल में थे और उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग VFX CGI का यूज नहीं किया गया। ये तो वाकई में कमाल हो गया, मतलब कि किंग खान ने धूम मचा दिया। दोस्तों आप झूमे जो पठान जो सॉन्ग है उसके बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बात कर लेते हैं पठान मूवी की दूसरे सुपरस्टार हिट सॉन्ग बेशरम सॉन्ग के बारे में। दरअसल सॉन्ग की शूटिंग करने में काफी मेहनत की गई थी। जी हां, खुद ही इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि इस सॉन्ग की बीट पर डांसिंग स्टेप को मैच कराना बहुत ही मुश्किल था और इसके लिए एक्टर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। प्रैक्टिस तो क्या बोले भाई, इस सॉन्ग को दीपिका पादुकोण को शूट करते स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि एक पानी से भरे एक बीच पर शूट किया गया था जो कि इस सॉन्ग में चार चांद लगा रहा। साथ ही साथ सॉन्ग में जिस तरह दीपिका पादुकोण ने अपनी डांसिंग आर्ट दिखाई है, लोग सही कहते हैं मेहनत में रंग लाती है, कुछ इस तरह यहाँ पर भी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की रंग लाई है। और बेशरम रंग सॉन्ग के साथ ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। दोस्तों आपको बेशरम सॉन्ग में वो सीन तो आधी होगा ना जब शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री होती है। दरअसल आप इस वाले सीन की शूटिंग किंग खान सर को स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सॉन्ग को शूटिंग करने से पहले काफी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो ठीक से डांस स्टेप नहीं कर पा रही थी और जो इस गाने के लिए डांस स्टेप बताए जा रहे थे वो भी एक्टर दीपिका पादुकोण को बहुत ही टफ लग रहे थे। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उन्होंने प्रैक्टिस करके कोरियोग्राफी को कॉपी कर ही लिया और उनके साथ फ्रेंडली हो गए और वो इस सॉन्ग में परफेक्ट डांस कर पाए, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा खुद दीपिका पादुकोण ने बताया कि बेशरम रंग सॉन्ग की शूटिंग होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मौसम भी उनका साथ नहीं दे रहा था, वहाँ पर तेज हवा चल रही थी, इसके चलते इस गाने में काफी प्रॉब्लम आई। लेकिन फाइनली फिल्म के डायरेक्टर की मेहनत ने रंग लाई।